हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल चटपटी चटोरी रसोई। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा सिंपल, इजी और डिलीशियस रेसिपी है। इजीली आप इसे बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं रसमलाई, और वो भी ब्रेड से। एक ग्लास मैंने यहाँ पर दूध लिया है। जी हाँ, ये दूध जो ऑलरेडी मीठा है, मैंने इसमें जो है 2 टेबलस्पून शक्कर जो है ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है। आप चाहें तो इसे बाद में भी जो है ऐड कर सकते हैं शुगर को। जैसे ही हमारा एक बॉयल आ जाएगा, हम जो है फ्लेम को स्लो कर देंगे। अब लो फ्लेम पर हम जो है दूध को जो है 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, और साइडों में जो ये मलाई लग जाएगी ना, इसे हम जो है स्क्रैप कर लेंगे अच्छे से, और दूध में जो है हम मिक्स कर लेंगे। अब दूध को और भी ज़्यादा रिच और क्रीमी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 टीस्पून जो है व्हीट फ्लार। ये गेहूँ का आटा है नॉर्मल, जो हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। अब इसे हम जो है दूध में ऐड कर देंगे और इसे जो है लगातार कॉन्टिन्यूसली हम जो है स्टर करते रहेंगे। इसे चलाते रहना है क्योंकि हमने इसमें गेहूं का आटा डाला है। बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए, फ्लेम को लो ही रखिएगा। लो फ्लेम पर हम इसे जो है 8 से 9 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए अच्छे से कुक कर लेंगे, ताकि हमने इसमें जो गेहूं का आटा डाला है उसका जो कच्चा फ्लेवर होता है, जो कच्चापन होता है, वो बिल्कुल भी ना रहे। और यकीन मानिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें गेहूं का आटा डाला हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और रिच बनेगी। ये देखिए, जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाएगा, हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 पिंच जो है हल्दी। आप चाहें तो केसर या फिर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एक छोटा सा जो है 1 चुटकी हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी को भी हम दूध के साथ अच्छे से कुक कर लेंगे। हल्दी का बिल्कुल भी इसमें फ्लेवर नहीं आता है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम जो बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, और इन्हें अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा जो दूध है ना, वो बहुत अच्छे से कुक हुआ है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ये देखिए, ये स्पून पे अच्छे से जो है कोट हो रहा है, इट मीन्स ये बहुत ही जो है अच्छा बना है। ये देखिए, गेहूँ का आटा डालने से हमारी कितनी रिच और क्रीमी जो है हमारा दूध बना है। ये देखिए, रसमलाई के लिए अब हम जो है फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा जो है ठंडा होने देंगे। तब तक हम यहाँ पर लेते हैं ब्रेड, और ब्रेड से हम इसके जो ये किनारे हैं ना, कट कर देंगे। चारों तरफ से हम जो है ब्रेड के कॉर्नर को जो है अलग कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारे जो ब्रेड हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम लेंगे एक बेलन, और बेलन से इसे हल्का हल्का जो है हम प्रेस कर देंगे। हल्के हल्के हाथ से हम इस तरह से जो है इसे प्रेस करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे मैंने अच्छे से जो है रोल कर लिया है। इसी तरह से हम जो है बाकी के जो ब्रेड स्लाइसेस हैं उन्हें भी अच्छे से जो है रोल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करते हुए सभी ब्रेड को हम जो है रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने जो है इस तरह का एक छोटा सा जो है डिब्बा लिया है। आप कोई भी कुकी कटर ले सकते हैं या कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, जिससे आप इसको जो है राउंड शेप में कट कर सकें। ये देखिए, जो ये बाकी का बचा हुआ पार्ट है, इसे भी हम जो है आपस में जोड़ देंगे, और बेलन से हल्का दबाव देते हुए इसे थोड़ा सा जो है बेल लेंगे और इसे जो है कट कर देंगे। ये देखिए, बाकी के बचे हुए पीसेस को भी आप इसी तरह जोड़कर जो है इस तरह से इसके पीसेस बना सकते हैं। ये देखिए, हमारे सभी जो है पीसेस रेडी हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क पाउडर। ये जो 10 रुपये वाला पाउच आता है, वो मैंने एक मिल्क पाउडर का लिया है। इसे हम किसी बाउल में निकाल लेंगे, और यहाँ पर जो है मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर में जो है थोड़ा सा दूध ऐड किया है, और उसे अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसे हम जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह की जो है थिक हमें जो है कंसिस्टेंसी रखनी है। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी है। हमें इसी तरह की जो है कंसिस्टेंसी रखनी है। अब हम एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और उसके कॉर्नर पर जो है थोड़ा सा दूध लगा देंगे, और बीच में हम जो है ये मिल्क पाउडर वाली जो स्लरी है इसे रख देंगे, और दूसरी स्लाइस से इसे कवर कर देंगे, और इसके जो ये कॉर्नर है इन्हें हल्के हाथों से हम जो है प्रेस करते हुए बंद कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम जो है साइड से इसे प्रेस कर देंगे, और ये हमारी जो है रसमलाई बिल्कुल बनकर रेडी है। इसी तरह से हम जो है बाकी भी रसमलाइयाँ जो है रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से दबाव देते हुए इसे जो है हम अच्छे से बंद कर लेंगे, ताकि हमने इसमें जो फिलिंग डाली है ना, वो बिल्कुल भी बाहर ना आए। आप चाहें तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। चलिए इसे सर्व करते हैं। अब एक प्लेट लेंगे, और प्लेट में हम जो है इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए,
और इसके ऊपर पोर करेंगे हमारी ठंडी ठंडा जो है ये दूध हमने बनाया है, उसे हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। और थोड़े से रोज़ पेटल और जो है पिस्ता मैंने जो है डाले हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये देखिए बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम जो है सामान से आप जो है रसमलाई घर पर बना सकते हैं। और ना यकीन मानिए, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमने इसमें जो गेहूं का आटा डाला है ना, वो किसी को पता नहीं चलता है कि इसमें गेहूं का आटा डाला है, बिल्कुल भी उसका टेस्ट नहीं आता है। और हमारा ये दूध है ना, काफ़ी रिच और क्रीमी लगता है। ये देखिए हमारी जो है ब्रेड रसमलाई बनकर बिल्कुल तैयार है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, यम्मी और डिलीशियस लगती है। और बनाने में बहुत ही आसान भी है और इसमें ना बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। ये देखिए बहुत ही इजीली आप जो है रेसिपी बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।